चिल्ड्रन अकेडमी रावला कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान हमारा चल रहा है, लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अब अध्याय दूसरा हमने स्टार्ट किए हैं, इससे पहले पूरा एक अध्याय आपको मिल चुका है, प्रश्न उत्तर हमने कर लिए हैं कैसे क्या है, तो सारे आप उसको पढ़ लीजिए क्योंकि जब तक आपका विद्यालय नहीं लगता है आप यहाँ पढ़ते रहिए। दूसरे पार्ट का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, और पार्ट पहले की बात करें कंपनी का मतलब अंग्रेजों की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले व्यापार करने आई थी छोटा सा और फिर साम्राज्य विस्तार कर लिया और पूरे भारत को क्या बना लिया, गुलाम बना लिया। तो उसकी बात करेंगे हम सबसे पहले इस कंपनी की। तो भारत में अंग्रेजों का व्यापार से लेकर गुलामी तक का सफर नामा। देखो भारत में सबसे पहले अंग्रेज आए, इन्होंने व्यापार किया था और व्यापार करते करते पूरा साम्राज्य विस्तार हो गया और पूरे भारत को अपनी मुट्ठी में ले लिया। ठीक है, हम अंग्रेजों के क्या हो गए, लगभग 300 सालों तक गुलाम रहे थे। तो देखिए अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में एक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ठीक है, जिसको कंपनी कहते हैं ना इसका पूरा नाम क्या है, ईस्ट इंडिया। ईस्ट का मतलब होता है पूर्व और इंडिया भारत आ गया, तो पूर्व की ओर व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई। कब, 1600 ईस्वी में, जिसका नाम क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। फिर इन्होंने क्या किया, भारत में व्यापार शुरू किया। अब छोटा सा ही व्यापार शुरू किया, छोटा सा ही। ठीक है, यानी जैसे बाजारों में देखे ना आपने, रेडी लगाते हैं ना, रेडी, कोई केले बेचता है, कोई चूड़ी बेचता है, कोई कुछ बेचता है, छोटी सी एक रेडी लगाई थी इन्होंने एक जगह। धीरे धीरे एक रेडी लगाई, दो रेडी लगा दी, तीन लगा दी, चार लगा दी, ऐसे करते करते रेडिया बन गई। फिर इन्होंने दुकान खोली, जैसे गांव में दुकान होती है ना वैसे दुकान खोली, दुकान से दो दुकान, तीन दुकान, ऐसे करते करते पूरा बाजार बन गया और इतना बाजार बना लिया इन्होंने और बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर लिए। क्या कर लिए, बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर लिए, उद्योग स्थापित कर लिए करते करते। और फिर क्या हुआ, एक दूसरे से लड़ने लगे, क्योंकि कई आए थे ना, फ्रांस वाले आए थे, पुर्तगाल वाले आए थे, सारे आए, तो आपस में लड़ते लड़ते और सबसे ताकतवर और चालाक को निकले अंग्रेज, और अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को गुलाम बना लिया। अब देखो सबसे पहले कौन आया कि भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय आया, तो 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली था, 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत आए। सबसे पहले ये यूरोप से भारत आए थे। हम कहते हैं ना कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने की। कब, 1498 में। किस देश से आया था, पुर्तगाल से। इस वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। अब ये क्या मतलब, क्या पहले भारत ने था खोज, तो जाहिर पड़ा जो यूरोप के लोगों को पहली बार किसने बताया था कि वहां एक भारत है और वहां खूब सारा धन है, रेशम है, मसाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले यूरोप वाले को इस वास्को डी गामा ने बताया था। इस पुर्तगालियों के पीछे फ्रांस के लोग आ गए, क्यों, देखो यहां भारत है, यहां यूरोप है, यहां से ये चल के आया, ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, यहां से ये चल के आया, ऐसे घूमता 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 और फिर भारत में आया, और भारत से क्या ले गया, मसाले ले गया, मसालों की खुशबू बहुत आती है ना, तो फिर मसाले ले गया। वापिस जब घर पे गया तो इधर मसाले की क्या सुगंध सब जगह आने लगी। इन्होंने सोचा ये कौन सी खाने की चीज ले गया, बड़ी शोर, ठीक है, सुगंध आ रही है, जैसे घर पे अपनी सब्जी बनती है ना, कई बार पड़ोसी की सब्जी बनती है तो बड़ी सुगंध आने लगती थी, और पता नहीं उनकी कौन सी सब्जी बनाई है, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी सुगंध आ रही है।
तो पीछे से फ्रांस वाले गए भी हम भी लेके आते हैं मसाले, ये भी चले गए, फिर और भी चले गए, लास्ट में बच गए अंग्रेजों को पता लग गया कि क्या ऐसा क्या लेके आ रहे हैं इतनी सुगंध आ रही है, तो लास्ट में पहुंच जाते हैं अंग्रेज जाते हैं और भारत में क्या करने लग जाते हैं मसाले मसूले लाते हैं व्यापार, ये तो वही लेके वहां बेचने लग जाते हैं और धीरे धीरे ये फ्रांस को और पुर्तगाल को सबको हरा देते हैं, सारों को हरा देते हैं और भारत में क्या करते हैं व्यापार करने लग जाते हैं। ध्यान रखना, अब व्यापार किया मैंने आपको बता दिया जगह जगह, अपना जो पश्चिम बंगाल है ना राज्य, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कलकत्ता, कौन सी है कलकत्ता, तो इस कलकत्ता पर सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की, अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी बनाई। अभी कोठी क्या होता है कि देखो अंग्रेजों ने पहले व्यापार किया, सामान खरीद लिया बहुत सारा इकट्ठा करते रहे भारत में, क्योंकि इनका देखा हुआ नहीं था, इतना था भारत में तो बहुत कुछ था भारत में, इनका देखा हुआ नहीं था, ये क्या करते भारतीयों से लेते और इस कोठी में रख देते, बड़ा सारा महल बना दिया, इस कोठी में रखते भारतीयों से खरीदते, कोठी बनाते 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 बहुत ही कोठी बना ली, सूरत में बना ली, मद्रास में बना ली, सब जगह क्या है कोठियां बना ली। अब कोठी बनाते इतना धन हो गया कि इसने सबको हरा दिया और भारत का उस समय मुगल बादशाह था, लास्ट में आता है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि ये मुगल बादशाह था वैसे तो, गिरफ्तार किया, लेकिन अब इसकी ताकत कमजोर होगी, सारी की सारी मराठा सारे लड़ने लगे, तो अंग्रेजों ने इस बहादुर शाह को पकड़ दिया, इसके पुत्रों को पकड़ लिया और अब अंग्रेजों का किसपे अधिकार हो गया, भारत पे अधिकार धीरे धीरे होने लग गया। 1857 की क्रांति हुई थी ना, 1857 की क्रांति में नेता कौन था, बहादुर शाह जफर, और इसको पकड़ लिया जाता है, भारतीय लोग कितने विद्रोह करते हैं फिर भी अंग्रेज जीत जाते हैं, तो ये सारी धीरे धीरे क्या हुआ, व्यापार किया, व्यापार से धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार किया और फिर भारत को क्या बना लिया, भारत को गुलाम बना लिया, जो भारत सोने की चिड़िया थी अब वो क्या बन गई, एक गरीबों की चिड़िया बन गई, क्यों, क्योंकि सोने की चिड़िया को उड़ा के कौन ले गया, तो सोने की चिड़िया को उड़ा के कौन ले गया, अंग्रेज ले गए सारा लूट पाट के, और फिर जब सारा लूट लिया तो 15 अगस्त 1947 को उन्होंने छोड़ दिया और भारत क्या हो गया, आजाद हो गया। अब देखो बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बहुत सारी चीजें जैसे अंग्रेजों के द्वारा भारत से कच्चा माल इकट्ठा कर विदेशों में भेजा जाने लगा और इसके बदले उन्हें खूब सारा धन व नई वस्तुएं मिलने लगी। ठीक है, नई वस्तुएं कैसे मिलने लगी, मान लो हमारे देश में कपास होती थी, अब इस कपास कच्चा होता है ना, जो रुई होती है ना, रुई वो कच्ची होती है, इसको अंग्रेज क्या करते थे अपने देश में इंग्लैंड ले जाते थे और इंग्लैंड जाने के बाद वहां कपड़ा बनाते थे, टाकर कपड़ा बनाते थे, अब देखो यही बना के यही बेचे तो सस्ता पड़ेगा, अब इंग्लैंड वाले इस कपास को कहां जाते थे, इंग्लैंड, और इंग्लैंड में कपड़ा बनाते थे, फिर इस कपड़े को हमारे भारत में वापिस बेच देते थे, तो इनको कमाई होने लगी ना, पहले तो भारत वाले 20 रुपए में पैंट शर्ट खरीदते थे, अब कपड़ा यहाँ ले जाके यहाँ 100 रुपए में उनको खरीदना पड़ता था,
तो धीरे धीरे ये क्या हो गए, अंग्रेजों के गुलाम हो गए और धीरे धीरे पूरे देश में इनका साम्राज्य हो गया। अब अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध लड़ा, कैसे कौन कौन से भारतीयों के साथ युद्ध लड़े और भारतीय इतने चलाक थे, इतने ताकतवर थे, सबको हरा कर फूट डालो राष्ट्रों की नीति अपनाकर पढ़ लिखकर के पाठ में वो सारी बातें बढ़िया तरीके से पढ़े।